हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ अनु और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास में आपका स्वागत है और अभिनंदन है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको एलसीएम बताया था, चलिए उससे रिलेटेड मैं एग्जांपल बता रही हूँ। आज देखिए, उस दिन तो दो ही एग्जांपल हुए थे, दो से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा हमें पता है, इसलिए और भी मैं बताना चाहती हूँ। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, टेंटी थोड़ा टफ ले रहे हैं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, फोर डिजिट का तो हम आपको सबसे पहले बताया था कि इसमें सबसे छोटा नंबर से हम डिवाइड करते हैं सब में, ठीक है, उससे से। तो हम सबसे छोटे दो से दो लेते हैं, एक तो लेंगे ही नहीं, दो से लेते हैं। टू से ट्वेंटी डिवाइड हो जाएगा, देखिए 10 बार में, ठीक है। 2 से 25 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, 25 है। अब देखिए 2 से 30 हो जाएंगे डिवाइड, 15, 2 जा 30। अब देखिए 42 है, 21 हो जाएगा डिवाइड, इसमें तो 2 से ज़्यादा हो गए हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर देखिए इसमें क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें ये देखिए 10 है, 25 है, 15 और 21 है। 2 का टेबल में सिर्फ 10 आएगा, 25 आएगा नहीं आएगा, 15 आएगा नहीं आएगा, 21 आएंगे नहीं आएंगे, तो हम 2 का गेट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 3 ढूंढते हैं, 3 के टेबल में 10 आते हैं नहीं आते हैं, 3 के टेबल में 25 आएंगे नहीं आएंगे, 3 के टेबल में 15 आते हैं और 21 ये भी आते हैं, तो हम 3 का गेट ओपन करते हैं। और जिसके जिसके गेट में ये जाने लायक नहीं है, इसे जस्ट वैसे ही हम उतार देते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। अब 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 5 बार में, और 21 कितने बार में आते हैं, 7 बार में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब 4 का टेबल, 4 वाले गेट को ओपन करते हैं, 4 वाले गेट को ओपन करते हैं, तो इसमें 4 के टेबल में कोई भी नहीं आने वाला है, तो 4 का गेट भी क्लोज हो गया, 5 का गेट ओपन होगा, फिर 5 का गेट ओपन करते हैं, तो देखिए 5 के टेबल में 10 भी आते हैं, 25 भी आते हैं, 5 तो बिल्कुल ही आते हैं, 7 नहीं आते हैं, तो 3 नंबर्स मिल गए हैं, तो हम 5 का टेबल ही यूज करते हैं। तो 5 के टेबल में 10 कितने बार में आते हैं, 2 बार में, फिर 25 कितने बार में आते हैं, 5 बार में, 5 तो 1 बार में ही आ जाते हैं, 7 नहीं आता है, तो वैसे ही हम उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पे बात है देखने वाली, 2 है, 5 है, 7 है, 1 और 7 है, तो देखिए सारे लोग अलग अलग हैं, किसी के टेबल में ये नहीं आने वाले हैं, नहीं आने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम परेशान नहीं होना, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ऊपर में 2 है, 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 6 7 इतने आएंगे आंसर, देखिए हो गया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कितना भी हार्ड क्यों ना आ जाए आपको डरना नहीं है, इजी में ही हमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर। देखिए 24 आ गया, 20 आ गए, 15 आ गए, और कितना ले लें, चलिए 2 ले लेते हैं। आप देखिए 2 से स्टार्ट करते हैं, आपको पता है 12 2 24, ये आपको पता है कि 2 के टेबल में 12 बार में 24 आएगा। अब देखिए 10 बार में 20, 15 नहीं आएंगे, 15 वैसे ही लिख देंगे, 2 आ जाएंगे, 1 लिखेंगे। अब देखिए 2 के टेबल में 12 भी है, 10 भी है, बाकी ये दोनों नहीं है, तो 2 आ जाए है ना, तो 2 से हम यूज ही करना है, तो 2 को ही हमको जरूरत है। अब देखिए 2 के टेबल में 12 कितने बार में है, 6 बार में, 10 कितने बार में है, 5 बार में, और 15 नहीं है, 15 वैसे ही उतार देंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 का
थ्री के टेबल में 6 भी है, 3 के टेबल में 15 भी है, तो 3 वाला गेट को ओपन किए, 3 2 6, 5 नहीं है, 5 ऐसे उतार दिए हैं। 3 के टेबल में 15 कितने बार में है, 5 बार में, 1 ऐसे। अब देखिए यहाँ पे 4 वाला गेट भी नहीं ओपन होगा क्योंकि 4 वाले टेबल में कोई भी नहीं है, 5 है, 2 यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 का टेबल स्टार्ट। 2 नहीं है, 5 के टेबल में 2 नहीं है, 2 ऐसे उतार दिए, 5 1 5, 1 बार में, 5 के टेबल में 5 1 बार में, ये 1। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं, नहीं चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, आपको दिक्कत ना होना चाहिए। अब देखिए 2 है, 2 × 2 × 3 × 5 × 2 कितने हुए, 2 2 = 4, 4 3 = 12, 600 6 × 2 = 12, 120 ही आएगा ना, 120 आंसर। ठीक है, आराम से देखिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो बिल्कुल ही दबाएं, जिससे आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।